दोस्तों ये बात सच है कि आप घर बैठे भी इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में आपके पास एक बहुत ही स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति, यानी जो आपका मन है। दिल तो बच्चा होता है, ये आपने सुना ही होगा। आप जो जैसा चाहते हैं और दिल जैसा कहता है आप वैसा ही करने लगते हैं। ऐसे हालत में जो आपका विल पावर होता है वो अच्छी चीजों के लिए आपको प्रेरणा देता है, आपकी इच्छा को मजबूत करता है और बुरी चीजों के लिए आपको रोकता है। तो आप जब अकेले पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन नहीं करता, चूंकि आपको पता नहीं कैसे पढ़ना है, तो इस हालत में आप छोड़ देते हैं या फिर यार दोस्त की वजह से आप छोड़ देते हैं। जब आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो वहां टीचर की फिजिकल प्रेजेंस होती है और वो आप पे ट्रेनर प्रेशर बनाता है, और जिस प्रेशर की वजह से आप कुछ चीजें सीख पाते हैं। यही प्रेशर आपको अपने मन पे बनाना है विल पावर की मदद से और घर बैठे सीखना है। अच्छा, ऐसे कंडीशन में आपको चाहिए एक अच्छे गाइड की जरूरत होगी, जो बताए क्या सही क्या गलत है और थोड़ी बहुत चीजें आपको बताता रहे, ये चीजें पढ़ो, आपको रास्ता दिखाते रहे और आप उस रास्ते पे चलते रहे। जैसे कि आपको पता है माय करियर डॉक्टर कमिटेड है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। मैं आपसे कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर रहा है, आज तक हमने आपसे कोई भी डिमांड नहीं करी और लेसन प्लान चलाया। आप प्लेलिस्ट में जाइए और क्लिक कीजिए स्पोकन इंग्लिश, जो सबसे पहला प्लेलिस्ट होगा स्टेप बाय स्टेप। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। आप वहां जाकर लेसन वन से लेकर आप शुरू कर सकते हैं। वहां से हमने आपको पढ़ाया बहुत ही बेसिक से और सिखाने की कोशिश करी कि अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। बावजूद इसके आपको घर पे बहुत सारे सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। इसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, जिसका लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी होगा, कि टॉप 5 यूट्यूब चैनल्स जिनकी मदद से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि तीन ऐसे एप्लीकेशंस का नाम जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप उसकी मदद से इंग्लिश सीख सकते हैं। देखिए, ये टेक्नोलॉजी है और ज्यादातर बच्चों का मन जो है वो फिसल जाता है पढ़ने के लिए, और एंटरटेनमेंट में वो बहक जाता है और चीजें को देखने लगता है। एंटरटेनमेंट की खास बात यह है कि जिस वक्त आप देखेंगे कोई फनी वीडियो या मूवी तो आपको उस वक्त तो बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपने तो कुछ सीखा ही नहीं। और जो सीखने वाली चीजें हैं उसकी जो आप निगेटिव कह सकते हैं, जिस वक्त आप सीखते हैं उस वक्त आपको ऐसा लगता है जैसे आप करेले की सब्जी खा रहे हैं, लेकिन वो होता बहुत फायदेमंद है आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं उस तीन एप्लीकेशंस का नाम जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे बैठे आप लोगों से बात कर सकते हैं या फिर वहां अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी केवल इसी पर यदि आप डिपेंडेंट रहेंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, लेकिन और चीजों के साथ, जैसे कि हमने आपसे बोला ग्रामर बनाइए, ट्रांसलेशंस को बनाइए, वर्ड्स को याद कीजिए, न्यूज़पेपर को रीड कीजिए और उसके साथ ये भी एक्टिविटी कीजिए, चूंकि स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट एक्टिविटी एंड द मोर यू डू एक्टिविटी बेटर यू लर्न इंग्लिश। Friends, my name is Prakash Singh Azad, you know, watching My Career Doctor. दोस्तों, ये जो तीन एप्लीकेशंस हैं जिसका जिक्र मैंने किया, इसके लिए आपको सिंपली आपके पास एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। एंड्रॉइड फोन के आप प्ले स्टोर में जाएंगे। चलिए, मैं आ चुका हूं प्ले स्टोर में। ये मेरे पास सैमसंग का फोन है और इस प्ले स्टोर में मैं टाइप करूंगा ओपन टॉक। मैंने टाइप कर दिया और इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरा पहले से इंस्टॉल हो चुका है। और इसके बाद मेरा ये जो है स्क्रीन दिख रहा है, मेरा इस स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा है टॉक नाउ। कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी उसे आप पूरा कर दीजिएगा, फोन नंबर वगैरह आप दे दीजिएगा और जो टॉक नाउ का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो फोन है वो कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, फोन इस वक्त कनेक्ट हो रहा है। पेशेंस रखना होगा, आपके नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए और वो ये आपसे कनेक्ट होगा। और कनेक्ट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां बात कर सकते हैं, इंग्लिश में आप बात करेंगे। आप ही की तरह पूरी दुनिया से लोग होते हैं जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। जब आप फोन पे बात करते हैं तो आपकी जो हेजिटेशन वो थोड़ा ज्यादा रिमूव होती है और ऐसे में आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। मेरा फोन कनेक्ट हो चुका है किशोर से। हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, ये कॉल एंड हो चुका है उधर से। मुझे लगता है वो कोई बिगनर होगा जिसने कॉल को एंड कर दिया, या फिर दूसरी बार आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कॉल ड्रॉप हो जाए, अगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे मिसबिहेव करते हैं, ऐसे कंडीशंस में आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। नेट से ये कॉल जाता, आपका फोन नंबर नहीं जाता, कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं दीजिएगा। तो इस ऐप पे यदि आप बात करते, एक चीज और, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, चूंकि बात करने से बोलना आता है, ये ध्यान रखिएगा।
दोस्तों जो दूसरा ऐप है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगला है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस के नाम से है, इसे भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अब मैं इसे ओपन पे क्लिक करता हूं और ये मेरे पास आ गया इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। यहां पे कैटेगरीज दिख रही हैं आपको, कैटेगरीज में है टिप्स एंड वेकेशंस, आई बिग यू पार्डन, ट्रिप्स एंड वेकेशंस। दूसरा है ईटिंग रिलेटेड टॉपिक्स, तीसरा है फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपने इस पे क्लिक किया, अच्छा इस पे ओपन टॉक की खास बात यह है कि आप ही की तरह दूसरा इंसान दूसरी तरफ होगा, लेकिन इसमें रोबोट्स होते हैं, कोई इंसान नहीं होता है। मैंने यहां अ ट्रिप टू लेक कॉन्वर्सेशन यहां पर क्लिक कर दिया और ऑप्शन आ गया मेरे पास, लेकिन एक आ चुका है एडवर्टीजमेंट का, उसको मैंने हटा दिया। यहां लिसन क्विज का ऑप्शन आएगा आपके पास, प्रैक्टिस का और रिकॉर्ड का। पहले मैं लिसन पे क्लिक करता हूं और यहां मैंने क्लिक कर दिया। अब मम्मी और डॉटर के बीच की कॉन्वर्सेशन मैं सुन रहा हूं। Can we have a picnic this afternoon? Sure, Kathy. Where should we have it? How about the lake? That's a great idea. That's really very nice. आप इसे पहले सुन लीजिएगा और सुनने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में आपको पार्टनर चुनना होता है, कैथी एंड मॉम मैंने चूज कर लिया। अब क्या करना है, एक मी आप कैथी हैं तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे और उधर से मॉम आपको ऑटोमेटिकली क्या देगी, रिप्लाई देगी, राइट? Mom, can we have a picnic this afternoon? Sure, Kathy. Where should we have it? How about the lake? That's a great idea. What should we pack for lunch? I can make ham sandwiches and potato salad. That's really very nice. तो इसको आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके और साथ में एक पार्टनर आपको है, भले ही देख कर आप पढ़िए, बोलने से देखिए क्या होता है कि आपकी हेजिटेशन रिमूव होती है। कम से कम ये एक्टिविटी उन बच्चों के लिए अच्छा है जिन्हें एक अच्छा माहौल नहीं मिलता है, जो घर बैठे प्रैक्टिस करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी आपने पढ़ा उसके आप आंसर दे सकते हैं, ऐसे में आपका ब्रेन भी शार्प होगा। और लास्ट में है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का भी आपके पास ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर ये एप्लीकेशन भी जो आपका है ये बहुत अच्छा है, जहां आपको बात करने का मौका मिलता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओपन टॉक को मैं ज्यादा बेटर मानता हूं, ये भी अच्छा है। देखिए एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं आपके पास, जहां आप चाहें तो इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एप्लीकेशंस का मुझे पता नहीं, हालांकि मैं इन्हें भी यूज नहीं करता, बट ढूंढा था आप लोगों के हित के लिए, ताकि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो। बस ध्यान रखिएगा ये टेक्नोलॉजी है, ज्यादा यारी दोस्ती मत कीजिएगा, वरना पहुंचने का कहीं और, पहुंच जाएंगे कहीं और आप। तो ये दो एप्लीकेशंस हो गया। तीसरा है आपका हेलो इंग्लिश। आप बोलेंगे कि मैं ग्रामर का प्रैक्टिस करूं, तो दोस्त हमारे चैनल पे बिल्कुल बेसिक से प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा माइक री डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे, और वहां पे आप क्लिक करेंगे स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। किन बुक्स की जरूरत है वो भी आपको बताया जाता है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो चीज मिल जाएगा किन बुक्स की आपको जरूरत है, लिंक पे आप क्लिक करके आप जा सकते हैं। तीसरा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है हेलो इंग्लिश, ये सबसे ज्यादा फेमस है, इसका पेड वर्जन भी है, नॉन पेड वर्जन भी है। तो वहां आप क्लिक करके पर डे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। वहां भी आप प्ले स्टोर से जाइएगा, इसको डाउनलोड कीजिएगा और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट दीज थ्री एप्लीकेशन वुड हेल्प यू अ लॉट टू लर्न इंग्लिश, एंड आई एम डैम श्योर दैट इफ यू ट्राई, बट फॉर दैट यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, नो मैटर हु यू आर, फ्रॉम वेयर यू आर, व्हिच रीजन यू आर, द थिंग इज यू मस्ट हैव विल पावर दैट विल हेल्प यू टू लर्न थिंग्स, एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश, नॉट ओनली इंग्लिश, दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू गेट कॉन्फिडेंस, टू गेन कॉन्फिडेंस, एंड दिस कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू टू गेट व्हाट यू वांट एग्जैक्टली इन योर लाइफ। विद दैट स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।